वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 17। ये 12 अगस्त की वर्कशीट है। इसके अंदर हम देखेंगे पहले साइंस की, फिर मैथमेटिक्स की और फिर हिंदी की वर्कशीट। आज का जो हमारा साइंस का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लास 10 की वर्कशीट है और हम ये पिछली वर्कशीट में भी पिछली वर्कशीट से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये वाला टॉपिक जो है पोटेंशियल डिफरेंस का, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो मतलब होता है वो होता है द वर्क डन to move a unit charge from one point to another। तो यहाँ पे यूनिट चार्ज बोलते हैं, तो यूनिट चार्ज का मतलब होता है वन चार्ज। सो एक पॉइंट से जो दूसरे पॉइंट से तक चेंज करने का जो वर्क डन होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो इसको किस तरीके से फाइंड करा जा सकता है? तो बेसिकली हम यहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं और चार्ज, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V इक्वल्स टू W अपॉन Q, और जो इसका SI यूनिट है वोल्ट। तो आपको पता ही है हम वोल्ट में हम वोल्टेज जो आपने सुना होगा उसमें हम इसको मेजर करते हैं। अब 1 वोल्ट हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 वोल्ट का मतलब क्या है? सो ये डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो 1 वोल्ट की आप डेफिनेशन आप खुद निकाल सकते हैं। तो 1 वोल्ट जैसे यहाँ पे है वर्क डन अपॉन चार्ज, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विद 1 जूल ऑफ वर्क। देखो हमने 1 वोल्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्क डन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 जूल ऑफ वर्क, मतलब 1 वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कॉलम। तो यहाँ पे अपॉन चार्ज था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 कॉलम। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था 1 कॉलम जो है उसका मतलब कॉलम जो है उसका स्टैंडर्ड यूनिट है चार्ज का। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कॉलम। तो ये डेफिनेशन देखो बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। वोल्ट इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कॉलम। 1 जूल क्या है? वर्क डन। 1 कॉलम क्या है? चार्ज। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूं, 1 अपॉन कॉलम था, तो ये हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर का चैप्टर हो जाता है। तो जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर जाएगा तो पावर इसकी माइनस हो जाती है, तो 1 जे सी पावर माइनस 1। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रखा है वोल्ट मीटर। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि थर्मामीटर हो गया आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। सो बेसिकली अगर मुझे 2 पॉइंट के बीच में मुझे ढूंढना है कि उसका वोल्ट कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो जिन 2 पॉइंट के बीच में मुझे ढूंढना है उन दोनों पॉइंट के बीच में मैं इस वोल्ट मीटर को लगाऊंगा। तो इसको हम आने वाली और वर्कशीट्स में और डिटेल में देखेंगे, तो आप चिंता ना करें। इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। एक तरीके का एक सर्किट होता है जिससे आपका पॉजिटिव साइड से इलेक्ट्रिक करंट मूव करता हुआ जब वो नेगेटिव साइड तक पूरा पहुंच जाता है तो इसे कहते हैं क्लोज सर्किट। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी आपके जो घर में मूव करती है, जब आप बटन को ऑन करते हैं तो जो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है सपोज करो लाइट तक, लाइट से वापस जो है क्लोज सर्किट होता है तो जाके वो लाइट जलती है। तो आई नो बहुत ही माइक्रो सेकेंड के अंदर ये चीजें हो जाती हैं, तो आपको लगता होगा कि ये इतनी जल्दी कैसे इसमें कंप्लीट सर्किट ले लिया, बट ये माइक्रोसेकंड के अंदर ही हो जाता है। अ कॉन्टिन्यूअस एंड अ क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इफ द सर्किट इज ओपन और ब्रोकन एनीवेयर द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। अगर वो ओपन है, ओपन कई तरीकों से हो सकता है। सपोज करो फिलामेंट यहाँ पे टूटी हुई है बल्ब की, तो भी आगे करंट पास नहीं करेगा यहाँ से। सपोज करो कहीं पे ब्रेक है तो भी वो आगे पास नहीं करेगा। सपोज करो की जो है वो ओपन है, मतलब बटन आपने ही ऑन नहीं करा। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ओपन होने के। अगर वो ओपन होगा तो इतना है कि वो करंट फ्लो नहीं करेगा और आपकी जो है लाइट नहीं जलेगी। आपने देखा होगा फ्यूज बल्ब, जब वो फ्यूज बल्ब हो जाता है तो वो इसी वजह वही दिखाता है कि आगे करंट फ्लो नहीं करा। वो कई रीजन हो सकते हैं, उसमें फिलामेंट हो सकता है एक, अगर फिलामेंट ठीक है तो तार खराब हो सकती है। इसी तरीके से चेकिंग होती है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। वायर को हम लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेजिस्टर है, नेक्स्ट हम वर्कशीट में इसको और डिटेल में देखेंगे। सेल हो गया, ये जो नंबर वाली लाइन होती है इसे पॉजिटिव बोलते हैं, छोटी वाली लाइन को नेगेटिव बोलते हैं। तो कई बार इसका डायग्राम बनाने के लिए बोल दिया जाता है आपको पेपर में, तो ध्यान से देख लें इसको। आपका जो सेल रहता है घर में, तो जिस साइड वो कैप होती है, कैप हमारा पॉजिटिव होता है, जो फ्लैट होता है वो नेगेटिव होता है, वो इसी को रिप्रेजेंट करता है। जो लंबा है वो आपका पॉजिटिव हो गया, जो छोटा है वो नेगेटिव हो गया। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है रिप्रेजेंट करने का ताकि वर्ल्ड वाइड कोई कंफ्यूजन ना हो। बैटरी, बैटरी इज नथिंग बट मल्टीपल ऑफ सेल्स जब जुड़ जाते हैं। देखो ये भी एक सेल है और ये भी एक सेल है, तो दो सेल बनाकर आपको एक बैटरी बना देंगे। इसी तरीके से और भी सेल्स बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जितनी बड़ी बैटरी आपको चाहिए। की हो गया, इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है इसको। कैसे हो गया आपका, ये आपका ब्रैकेट के अंदर ओपन होता है, ये हो गया ओपन की, और ये हो गया नीचे वाला हो गया क्लोज की। सो उम्मीद करता हूँ ये ओपन और क्लोज की समझ में आ गया होगा। अंदर जो है डॉट बना देते हैं फुल स्टॉप की तरह। बल्ब हो गया, ये बल्ब का सिंबल है, ये एम्पेयर और वोल्ट मीटर। सो अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को, यहाँ पे दे रखे हैं। व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज 1V। तो 1V के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया, 1 वोल्ट मीटर। तो 1V हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है आपको ये पूरा। 1 वोल्ट मीटर इज नथिंग बट 1 जूल अपॉन 1 कॉलम। मतलब 1 जूल और 1 कॉलम को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। ये स्टैंडर्ड यूनिट है। ये दिया गया है किसके बेसिस पे, ये एक इटालियन फिजिस्ट है जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी थी और खोज करी है, एलेसेंड्रो वोल्ट। तो इसलिए ऐसा यूनिट भी इसका वोल्ट इसी के नाम से दिया गया है। आगे पढ़ लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ द सिंबल ऑफ बैटरी सेल रजिस्टर क्लोज्ड की। तो यहाँ से आप देख के आप आराम से बना सकते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन, नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए काम आता है। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं हम साथ में, और साथ में हम ये भी देख लेते हैं ओपन एंड क्लोज सर्किट का आंसर भी। आइए चलते हैं आंसर्स की तरफ। वेलकम स्टूडेंट्स, आज की 10th क्लास की जो वर्कशीट है उसमें नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया कोई सी जगह सेम नंबर अगर हम पहले वाले नंबर के अंदर ऐड करते रहें तो उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है आपके जो है टेबल्स। तो सपोज करो मैं टेबल ले लेता हूँ 3 का अगला टेबल क्या होता है, मतलब अगला नंबर क्या होगा 6, फिर होगा 9, फिर होगा 12, इस तरीके से चलता रहता है। अब मुझे कैसे पता कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। पहली बात तो इसका मैं बोला अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मतलब नंबर्स, ओके, नंबर्स का खेल। प्रोग्रेशन मतलब जो बढ़ता रहे। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, +3 +3, तो एक सेम कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेम नंबर इज एडेड। बट प्रोग्रेशन क्या सिर्फ बढ़ने को ही कहते हैं? अगर किसी का वेट है, सपोज करो 80 किलो, किसी का वेट हो गया 80 किलो और वो हर महीने क्या कर रहा है, 2-2 किलो कम कर रहा है। तो अगला वेट हो गया उसका 78, फिर होगा 76, फिर होगा 74 एंड सो ऑन। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वह ऐसे कम करता ही रहेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, प्रोग्रेशन हो रही है। प्रोग्रेशन का मतलब तब बढ़ना, बढ़ रही है चीज़, लेकिन कैसे बढ़ रही है, -2 -2 -2। तो इस सीरीज़ को भी हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारी डेफिनेशन हो गई व्हेन सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ओके। तो अगर सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, उस सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एक स्पेशल बात, सपोज एक नंबर है, सपोज करो 15, फिर 15 रहा, फिर 15 रहा, फिर 15 रहा। सपोज करो ये 20 में से आपके मार्क्स हैं। मैथ के पहले यूटी में 15 मार्क्स आए, दूसरे यूटी में भी 15 आए, तीसरे यूटी में भी 15 आए, चौथे यूटी में भी 15 आए। आपके मार्क्स जो है वो कॉन्स्टेंट है। तो क्या इसमें प्रोग्रेशन है? क्या वो एपी है? हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या है? व्हेन सेम नंबर इज़ एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मैंने इसमें क्या ऐड करा? ज़ीरो। मैंने इसमें क्या ऐड करा? ज़ीरो। इसमें क्या ऐड करा? ज़ीरो। तो इसका मतलब ये भी क्या है? एपी। तो ये तीनों के तीनों एपी हैं। तो ये पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमें पहला पता लगाना होता है कि एपी होता क्या है, जिसमें सेम नंबर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। बेसिकली हम ऐड ही करते हैं। तो जरा इस बात पे कन्फ्यूजन में नहीं रखते, चलो आप समझ लीजिए ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें अलग अलग हो रहा हो। सपोज करो 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। अब इस केस में कितना बड़ा? 2 बड़ा। इस केस में कितना बड़ा? 4 बड़ा। तो यहाँ पे पहले ही क्या है? नो। मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जैसे ही पता चल जाए कि उन्होंने अलग तरीके से बढ़ा है या कम हुआ है तो वो गलत है। ओके, हम यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं ढूंढ रहे कि पैटर्न ढूंढ के अगला नंबर ढूंढो। हमारे पास क्या है? एपी। एपी क्या होता है? सेम नंबर बढ़ना चाहिए या सेम नंबर से कम होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था। आइए देख लेते हैं दूसरा पार्ट क्या था। दूसरा पार्ट था 0 -4 -8 -12। ओके, अब मैं इसको मेथड भी थोड़ा सा समझा देता हूँ साथ में, फिर इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो मेथड के अंदर एपी समझ में आना चाहिए। एपी के अंदर ये पहला वाला एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर ये जो 3 है इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, मतलब पहला टर्म, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो बुक में ही है, मैंने कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो बढ़ रहा था 3 से बढ़ रहा था, ये जो कांस्टेंट होता है इस नंबर को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। क्या बात समझ में आ गई? कॉमन डिफरेंस। तो बेसिकली यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं था। तो डी कैसे निकालते हैं? डी का फॉर्मूला तो यहाँ पे कर देते हैं। तो डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेकेंड टर्म। इसे कहते हैं A2, इसे कहते हैं A3, इसे कहते हैं A4। मतलब सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरीके से चलता रहता है। तो डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1। या फिर आप कोई भी दो टर्म ले लो, चाहे A4 लोगे तो A4 - A3। तो बेसिकली डी के अंदर कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म ले लेंगे तो हम उसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी मिल जाएगा। देख लेते हैं। 6 - 3 3, फोर्थ टर्म बोली। 12 - 4 12 - 9 3। तो यहाँ पे क्या है? डी सेम आ रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं डी क्या है। 4 - 2 2, दूसरा डी। 8 - 4 कितना आया? 4। तो यहाँ पे दोनों के दोनों डी नॉट इक्वल हैं, तो इसलिए एपी नहीं है। यहाँ पे चेक करते हैं लास्ट वाले पार्ट में। डी -4 - 0 कितना आया? -4। -8 - -4 -4 हो गया। -8 + 4 -8 + 4 कितना होता है? -4 होता है। तो ये येस है। उम्मीद करता हूँ सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में आपको ये एक सीरीज़ दे रखी है। अभी तक मैं इसको एपी नहीं बोल रहा। एपी तब बोलूँगा जब मैं इसका डी निकाल लूँगा। डी हो गया A2 - A1। यहाँ पे जो है ये सेकंड टर्म, सो 2A - A ये हो गया फर्स्ट टर्म। तो 2A - A आ गया A। एक और बार निकाल लेते हैं। A3 - A2 मतलब तीसरा माइनस दूसरा। 3A - 2A ये भी आ गया A। चलो आखिरी भी चेक कर लेते हैं। A4 - A3 A4 क्या है? 4A -3a, ये भी आ गया a। तीनों में देखेंगे डिफरेंस सेम है, हम लिख देंगे एज डिफरेंस इज सेम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे येस। तो क्या ये ए पी है? बिल्कुल है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला था कि ये ए पी है, तो आप चिंता मत करें, ये ए पी है। तो उसने बोला था इसके अंदर ए फाइंड करो और डी फाइंड करो। तो ए तो हमें पता है कि पहला टर्म होता है, तो ए हो गया 34, और डी क्या होता है, कोई भी दो टर्म का माइनस कर देंगे, a2 माइनस a1, फॉर्मूला लिख लेंगे 32 माइनस 34, आंसर आया -2। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसके अंदर, देखो कम हो रहा है ना, तो इसलिए माइनस में आएगा आंसर, गलती से इसको +2 मत लिख देना। इसमें भी देख लेते हैं, a क्या है -5 और d क्या है -1 माइनस -5। देखो अगर इंटीजर्स में दिक्कत हो तो आपको इंटीजर्स की वर्कशीट मिल जाएगी सॉल्व करने, वहाँ पर इंटीजर्स की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से ज़रूर देखें। --+5 और -1 + 5 कितना होता है 4। तो इस क्वेश्चन का जो डी हो गया वो हो गया 4, तो हमारे पे दोनों हो गए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर उन्होंने ए और डी दे दिया, बोला है कि ए पी की 4 टर्म्स निकालो, मतलब A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो और A4 निकालो, 4 टर्म निकालो। A1 तो हमें पता है कि वो A होता है, तो A क्या है 10, ओके। A2 क्या होता है, मतलब उसके अंदर D ऐड हो जाता है ना, मतलब आपने देखा था 3, 6, 9, तो ये अगर A1 है या A है, इसके अंदर क्या हो रहा है A1 + D, ये A2 था, A1 + D, तो ये क्या है, और एक बार ऐड हो जाएगा A1 + D + D। क्या बात समझ में आ रही है? 2 बार D ऐड हो रहा है ना, यहाँ पर एक बार D ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी एक बार D ऐड हो रहा है, तो A1 + D + D। तो इसको हम लिख सकते हैं A1 + 2D, तो A1 को हम A लिखते हैं तो A लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला बनता है A + n - 1D। चिंता मत करें, इसको हम नेक्स्ट वर्कशीट में फिर दोबारा देखेंगे कैसे आया ये फॉर्मूला अच्छे से, स्टार्ट में वहीं से करूँगा, चिंता मत करो। अभी के लिए आप समझ लो कि हम D ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 2 है ना, तो यहाँ पर 2 था तो एक D ऐड कर रहे थे A + D। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2D ऐड करूँगा 2D, और यहाँ पर A4 हो गया तो A + 3D ऐड करेंगे। तो जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा A2 का 10 + 10 20, अब 20 + 10 इसका आंसर आ जाएगा 30, और इसका आ जाएगा 40। तो ये इसके आंसर हो गए। अब इसमें भी देख लेते हैं, A1 क्या है 1, A2 क्या है 1 + ½ तो 1 + ½ होता है 1½ मैंने एक मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर एडिशन के ऊपर वर्कशीट ना रखे, देख लें, बहुत आसान तरीके से एडिशन हो जाती है उसमें। ये हो गया। अब A3 हो गया 1½ के अंदर, और एक 1½ प्लस करो, तो ½ + ½ 1 होता है, 1 ऑलरेडी है तो 2 हो गया आंसर। तो A4 हो गया 2½ तो ये आपके आंसर हो गए। सी पार्ट देख लेते हैं। A1 क्या है -2, A2 क्या हो गया, इसके अंदर ऐड करो -2 + 5, -2 + 5 हो गया 3, A3 3 + 5 कितना हो गया 8, और A4 कितना हो गया 5 + 8 कितना हो गया 13। तो ये हो गए आपके सारे के सारे वर्कशीट के आंसर्स। वर्कशीट के स्टार्टिंग में जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो आप एक बार रीड करें खुद, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। सो हमारा आंसर नंबर 3 है, एनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक बैटरी, सेल, पावर सप्लाई एक्सेट्रा हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो बेसिकली आपको अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कराना है, अगर हमें वहाँ पे देखना है कि कितना वर्क डन हुआ है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी तो होनी चाहिए ना। वो कहाँ से आती है? बैटरी से, सेल से, पावर सप्लाई, कहीं से भी आ सकती है। तो वो सारे के सारे क्या है, इसके सोर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था ओपन एंड क्लोज सर्किट के बीच में हमें क्या बताना था, डिफरेंस। तो डिफरेंस आपको डिफरेंशिएट बिटवीन के तरीके से लिखना चाहिए। ओपन सर्किट इट इज नॉट क्लोज्ड, ऑब्वियसली। डज नॉट हैव कॉन्टिन्यूस पाथ, मतलब कॉन्टिन्यूस पाथ नहीं होता, कहीं ना कहीं ब्रेक होता है. इट इज क्लोज्ड एंड हैज कॉन्टिन्यूस पाथ. सेकेंड, ये कंप्लीट करता है और ये मैंने नीचे दे रखा है आपको डायग्राम. तो एक में बल्ब ग्लो कर रहा है क्लोज्ड वाले में, और ओपन वाले में ग्लो नहीं कर रहा. उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा. तो आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ जो कि है मैथ्स की. कोई डाउट हो तो इसमें आप पूछ लीजिएगा. हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब आपकी हम हिंदी की वर्कशीट देख लेते हैं. ये है आपकी वर्कशीट नंबर 17. अगर ये वर्कशीट की हमारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगे तो ये चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए हम यहाँ पर जो आपको समझा रहे हैं वर्कशीट में. तो ये जो वर्कशीट है आपकी, पहले एक वर्कशीट ऑलरेडी हो चुकी है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की वर्कशीट, उसी की कंटिन्यूएशन है ये वर्कशीट. तो राम और लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो संवाद था, जो डायलॉग था, तुलसीदास जी ने जो लिखा है ये उसी को दर्शाते हुए है. तो जल्दी से ये देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन. कॉन्टेक्स्ट ये है कि श्री राम जी ने सीता से के स्वयंवर में जो वहां पर शिव जी का धनुष रखा हुआ था वो उन्होंने तोड़ दिया है, और जैसे ही वो धनुष टूट गया तो परशुराम जी वहां पर आए, गुस्से में क्रोधित होते हुए आए, और वो अब ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन वो बुरा इंसान है, वो कपटी इंसान है जिसने ये जरूरत की कि आप ये धनुष तोड़ दे. तो देखते हैं कि अब वो लक्ष्मण जी यहाँ क्या कह रहे हैं. लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनुहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे. तो लक्ष्मण यहाँ पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमें तो सभी धनुष एक ही समान लगते हैं, एक दो धनुष के टूटने से कौन सी लाभ हानि हो गई, कौन सी बड़ी बात हो गई जो यहाँ पर एक ये धनुष टूट गया है. तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो राम उन्हें जो है टेढ़ी नजरों से उन्हें देखने लगे और तिरछी नजरों से उन्हें देखने लगे, ये कहते हुए कि चुप हो जाओ, ये ऐसे बात मत करो. छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कथ रोसू. तो लक्ष्मण जी ने आगे कहा कि यह धनुष तो श्री राम के छूने भर से टूट गया था, आप तो बेकार में ही क्रोध कर रहे हैं. बोले चितड़ परसु की ओरा, रे सट सुनिए सुभाऊ न मोरा, बालकु बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोह. तो अब जो है इस बात पर जब लक्ष्मण जी ऐसे कहते हैं तो परशुराम जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होकर वो अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं, ये जो इनके हाथ में ये जो शस्त्र दिखाया गया है ये फरसा है. तो उसकी तरफ देखते हुए परशुराम जी कहते हैं कि शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में जानते नहीं हो, अभी तक तो मैं तुम्हें बालक समझ कर तुम्हारा वध नहीं कर रहा था, अभी तक तो मैं सोच रहा था कि अरे ये तो कोई छोटा बालक है, इसे जाने दो, ऐसे ही कुछ भी बातें कर रहा है, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम तो मुझे एक सामान्य ऋषि की भांति समझने की भूल कर रहे हो. तो ये मत समझो कि मैं कोई मामूली सा ऋषि हूँ, मामूली सा ऋषि मुनि हूँ. तो आगे अपने बारे में परशुराम जी बताते हुए कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेवहन दिन ही. तो वो आगे कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मतलब बचपन से ही मैंने ये प्रण लिया हुआ है कि मैं किसी मोह माया में नहीं पड़ूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा और बच्चे नहीं करूंगा, और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है. तो सारा संसार जानता है कि मैंने 3 बार इस पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था. तो वैसे तो मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैंने 3 बार पूरी संसार में से क्षत्रिय कुल जिसमें कि वॉरियर्स पैदा होते हैं, मैंने उनको पूरा खत्म कर दिया था. तो सारा संसार ये जानता है कि मैंने क्षत्रियों का पूरा कुल ही विनाश कर दिया था. मैंने अपने भुज बल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और इस पृथ्वी को जीत कर ब्राह्मणों को दान में दिया है. तो मैंने अपने भुज बल से ही ब्राह्मणों को इस पृथ्वी को दान दिया है. आगे वो कहते हैं, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा, मातु पिथि जनी सोच बस करसी महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर. आगे वो कहते हैं कि मैंने सहस्त्रबाहु को बुरी तरह से मारा था और फिर से देखो मेरे फरसे को गौर से देखो. तो वो ये फिर से ये दिखाते हुए लक्ष्मण को कहते हैं, इसे गौर से देखो, तुम तो अपने व्यवहार से उस गति को पहुंच जाओगे. परंतु तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी मेरे फरसे की असहनीय पीड़ा होगी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं मेरे इस फरसे को गौर से देख लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारा जब वध कर दूंगा, जब मैं तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूंगा तो तुम तो मर जाओगे, लेकिन तुम्हारे पीछे जो माता पिता हैं तुम्हारे वो बहुत ही दुखी होंगे, उन्हें असहनीय पीड़ा होगी। मेरे फरसे की गर्जना सुनकर ही गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। तो साथ ही वो ये भी बोलते हैं कि मेरे फरसे की, ये जो मेरा शस्त्र है, उसकी गर्जना सुनकर ही जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनका बच्चा नहीं रहता, उनका गर्भपात हो जाता है। तो इस तरह से परशुराम अपने बारे में लक्ष्मण जी को बताते हैं और बताते हैं कि मुझे कोई मामूली सा ऋषि मत समझो, मैंने इतने बड़े बड़े वीरता वाले काम किए हैं, तो जरा ध्यान से मेरी बात यहाँ पर सुनो। तो अब इसी के बेसिस पे आपके आंसर क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स होंगे। तो जल्दी से ये देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्या क्या कहकर परशुराम ने अपनी वीरता का परिचय दिया, पद को पढ़कर अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि क्या क्या ऐसा परशुराम ने कहा जिनसे ये पता चलता है कि वो बहुत वीर थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो आइए हम आपको यहाँ पर सैंपल आंसर दिखा देते हैं। आप इस सैंपल आंसर को पढ़िए और अपने शब्दों में भी आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। तो उत्तर 1 में आप यहाँ लिखेंगे, परशुराम जी अपनी वीरता का परिचय देते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मुझे एक साधारण मुनि मत समझ, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है, मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ, अपने बाजुओं के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया है और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दिया है, इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो, यही वह फरसा है जिससे मैंने सहस्त्र बाहु का संहार किया था। हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो, मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। तो ये कहकर परशुराम जी अपनी वीरता का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर, वर्णन यहाँ पर करते हैं। अब चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। अब आपका प्रश्न 2 यहाँ कहता है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर 2 लाइनें दी हुई हैं। अब यहाँ पर क्लियरली नहीं लिखा है कि ये 2 लाइनें जो है आपको यहाँ से शुरू करके और फिर जो ये वाली लाइन है यहाँ तक आपको डिस्क्रिप्शन देना है, या इन दोनों लाइंस का आपको अलग अलग से डिस्क्रिप्शन देना है। तो हम आपको दोनों ही आंसर दे देते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इंडिविजुअली भी इन लाइन्स को लिख सकते हैं। अगर आपकी टीचर्स ये कहती हैं कि इंडिविजुअली लिखना है तो आप इंडिविजुअली लिखिए। अगर टीचर्स कहती हैं कि यहाँ लखन से शुरू होकर फिर जो भी लाइन्स आती हैं और मोरा तक जो लाइन है वहां तक का आपको अगर व्याख्या करनी है, भाव स्पष्ट करना है, तो आप पूरा आंसर वो लिख सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन समझने के लिए हम पहले ही वीडियो में आपको दिखा चुके हैं। देखिए, अब हम सैंपल आंसर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर लाइन है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, ये पहली लाइन है। फिर है, बोले चितई परसू की ओरा, रे सट सुने ही सुभाऊ नमोरा। अब अगर इसका हम वर्णन देखें, भाव देखें, तो ये जो हाइलाइटेड लाइंस हैं, ये जो बोल्ड में आपको लाइंस दी गई हैं, ये इन लाइंस का एग्जैक्ट मीनिंग है और इनके बीच में जो लाइंस आती है उनका मतलब यहाँ पर बीच में इन दोनों के लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आपकी टीचर कहती हैं कि आपको इस लाइन से शुरू करके यहाँ तक का आंसर लिखना है तो ये पूरा आप लिखिए यहाँ पर उत्तर। लेकिन अगर वही टीचर आपको कहती है कि सिर्फ लाइन बाय लाइन आपको लिखना है तो ये जो ब्लैक में यहाँ पर दिया हुआ है आंसर, बस आप ये 2 लाइंस ही लिखेंगे। तो मैं ये पढ़ नहीं रही हूँ आंसर, क्योंकि ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको ये बता दिया गया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं और साथ ही आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं आपके प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न 3 आपका कहता है, पिछली कार्य पत्रिकाओं में आपने अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा था, उसी आधार पर प्रस्तुत पद में से अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण छांटकर लिखिए। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, इंग्लिश में भी आपने किया है एलिट्रेशन। आजकल आप इंग्लिश में जरूर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम कर रहे हैं, उसमें भी एलिट्रेशन है, फायर एंड आइस में आप कर रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हिंदी में भी अनुप्रास अलंकार होता है, जिसमें जो सेम साउंडिंग वर्ड्स हैं, तो जैसे सेम बिल्कुल एक जैसी ध्वनि वाले जो शब्द हैं या लेटर्स हैं, जो वर्ण हैं, उनको लिखा जाता है, जिससे कि जो पोयम है या पद है, जो पद्यांश हैं, उनमें जो है एक बहुत अच्छी सी म्यूजिकलिटी आती है, एक म्यूजिकल फीलिंग आती है और एक रिदमिसिटी आती है, एक रिदम आती है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि इस पद में ऐसा कहाँ पर है जहाँ पर साउंड्स रिपीट हो रही हैं। आपको यहाँ पर दो उदाहरण छांट कर लिखने हैं, तो हम जल्दी से दो उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला, ये जो तीन शब्द हैं, काज करिए कथ, अब इसमें क जो है वो रिपीटेड है, तो क से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार बन रहा है। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सठ सुने ही सुभाऊ। अगेन यहाँ पर स जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। फिर एक और है यहाँ पर, बालकू बोली बधऊ, यहाँ पर ब रिपीट हो रहा है बार बार साथ में। तो इस तरह से आपके यहाँ पर कई अनुप्रास अलंकार यूज हुए हैं, जैसे ये भुजबल भूमि भूप, अब ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इस उत्तर में कोई भी दो आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब आगे चलते हैं आपके प्रश्न 4 पर। तो प्रश्न 4 आपका कहता है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो ये जो डायलॉग है लक्ष्मण राम और परशुराम के बीच में, तो ये पद की तरह तुलसीदास जी ने लिखा है, एक पोयम की तरह लिखा है, लेकिन आपको ये जो कॉन्वर्सेशन चल रही है, ये जो संवाद यहाँ पर चल रहा है, उसमें से आपको जो सबसे अच्छा पार्ट लगा उसे अपने शब्दों में संवाद के रूप में, एक एक्चुअल डायलॉग के रूप में आपको लिखना है। तो हमने आपके लिए यहाँ पर सैंपल आंसर दिया है, जल्दी से वो देख लेते हैं। तो उत्तर 4 में आपने लक्ष्मण और परशुराम के बीच में डायलॉग दिखाना है। तो हमें जो लाइंस अच्छी लगी, हमने शुरू वाली जो लाइंस हैं हमने वो यहाँ पर ली हैं। तो उनको कैसे लिखेंगे डायलॉग में, तो सबसे पहले डायलॉग में जो बोल रहा होता है उसका नाम हम लिखते हैं, और उसके बाद किस तरह से बोल रहा होता है उसको हम यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं, और फिर उसके जो डायलॉग्स हैं वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। वहीं अगर कोई और भी आसपास कुछ कर रहा है लेकिन कोई डायलॉग नहीं है, उसका संवाद नहीं है, तो वो यहाँ पर अगेन ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो जल्दी से ये देख लेते हैं, और ध्यान रखिए कि ये अगेन बहुत ही लिरिकल नहीं होता है, ये एक डायलॉग है, तो आप ऐसे लिखेंगे जैसे ये लोग दो लोग आपस में बात कर रहे हों। तो लक्ष्मण व्यंग पूर्वक मुस्कुराते हुए, हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नजर नहीं आता, फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या आफत आ गई है जो आप इतना क्रोधित हो उठे हैं। वहीं आप ब्रैकेट में फिर लिख रहे हैं, श्री राम तिरछी आंखों से चुप रहने का इशारा करने लगते हैं, और लक्ष्मण यहीं पर आगे बोलते हैं, इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र था और ये टूट गया, आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। फिर परशुराम जी कहते हैं, अत्यधिक क्रोधित होते हुए अपने फरसे की तरफ देखते हुए, हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता, मैं अभी तक बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा था, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। तो देखिए, इस तरह से आपने इस पोएम को एक डायलॉग का फॉर्म दे दिया है, और यही आपको इस प्रश्न में लिखना था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्कशीट समझ आ गई हो, ये क्वेश्चन और बाकी आंसर समझ आ गए हो। अगर आप चाहें तो इसमें अपनी चॉइस की लाइंस भी डायलॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही वर्कशीट अपलोड हो तो आपको इमीडिएटली पता चल जाए। थैंक यू।